नमस्कार दोस्तों, सीएम योगी से सचिन पायलट ने पूछा सवाल, क्या यूनुस खान के लिए करेंगे प्रचार? तो ये कहीं ना कहीं सीएम योगी को लेकर बहुत ही बड़ा सवाल है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे टोंक से बीजेपी उम्मीदवार यूनुस खान के लिए प्रचार करेंगे। सचिन पायलट खुद इस सीट से मैदान में है। दरअसल राजस्थान में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में से एक हैं। अब तक वे करीब 10 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। हालांकि दिनों में हिंदुत्व नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ की छवि और ज्यादा मजबूत हो चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी उनकी हर छवि का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। इस बार बीजेपी ने राजस्थान में केवल एक मुस्लिम नेता यूनुस खान का टिकट दिया है। वे वर्तमान राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े महंत हैं। राजस्थान की बड़ी आबादी पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। नाथ संप्रदाय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजस्थान में इस वक्त इस संप्रदाय के 46 बड़े मठ हैं। इन मठों का चूरू, सीकर, झुंझुन, मंडी, मंडावा, हनुमानगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, जयपुर सहित कई और बड़े पड़ोसी जिलों में प्रभाव है। माना जाता है कि नाथ संप्रदाय का ओबीसी जाति में खास प्रभाव है। इन्हीं वजहों से योगी आदित्यनाथ दर्जनों रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। टोंक से वर्तमान में बीजेपी के अजीत सिंह विधायक थे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट मैदान में उतरे तो बीजेपी ने यूनुस खान को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। राजस्थान में टोंक विधानसभा बेहद हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी के एकलौते मुस्लिम प्रत्याशी होने से जुड़े सवालों पर यूनुस खान के न्यूज एजेंसी भाषा से कहा गया कि ये फैसला रणनीति और समीकरणों पर आधारित है, ना कि उनके धर्म पर। उनसे पूछा गया कि क्या टोंक में भारी संख्या में मुस्लिमों के होने के कारण उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इस पर खान ने ये चीज कही कि यहाँ चुनाव का आधार प्रदर्शन और एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव इस आधार पर है कि कौन टोंक की बेहतर सेवा कर सकता है। मैंने अपना दृष्टिकोण बताया है। एक मंत्री के रूप में मैंने अपना सवाई माधोपुर रोड को 2 लेन में जोड़ा है। मैंने एक बाईपास बनवाया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में पहले भी एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी रह चुके हैं। तो देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी हैं, अगर हम सचिन पायलट की बात करें जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से खड़े हैं राजस्थान में, तो उन्होंने जितनी भी जनसभाएं की हैं उसमें बीजेपी पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा निशाना साधा है, एक के बाद एक हमले बोले हैं। तो देखा जाएगा जो योगी आदित्यनाथ की छवि है हिंदुत्व को लेकर, उस पे ही एक बड़ा सवाल किया गया है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे या फिर नहीं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जो कि एक बहुत ही विवादों से घिरा हुआ सवाल है। तो देखा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ इसका पलट कर क्या जवाब देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस ने 2 बड़े ऐसे नेता राजस्थान में खड़े किए हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके, वो एक अशोक गहलोत और दूसरे सचिन पायलट। तो देखा जाएगा कि अगर कांग्रेस वहां से जीत जाती है राजस्थान से, तो वो जो सीएम का पद होगा, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, वो किसको देना पसंद करेगी। अभी इसकी घोषणा नहीं की है कांग्रेस ने, पर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो जो सीएम की कुर्सी होगी उस पर किसका हक होगा, इसको लेकर भी आगे जाकर बहुत ही ज्यादा विवाद होने वाला है। लेकिन कहा जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि दोबारा से वसुंधरा राजे की सरकार आना तय है, क्योंकि जो मोदी है वो एक के बाद एक राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं, और उनके अलावा जो दूसरा बड़ा चेहरा है भाजपा का वो है योगी आदित्यनाथ, जो एक के बाद एक रैलियां कर रहा है और जनता को लुभा रहा है और जनता से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए उनसे अपील कर रहा है। तो देखा जाएगा कि राजस्थान में जो चुनावी माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका है वो किसके पक्ष में होता है और किसके विपक्ष में। तो हम जल्दी लौटेंगे इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं।